हेलो एवरीवन वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल ये टॉपिक कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी रेलवे बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है नाउ द टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी टॉपिक के डिटेल में हम जाने से पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी पहला स्टेटमेंट है इट इज इस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस यूएन दूसरा स्टेटमेंट है इट एम्स टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वीमेंस एजुकेशन हेल्थ एंड एंटरप्राइज तो चार ऑप्शन यहाँ आपको दिए गए हैं कौन सा सही है आपको बताना है आंसर मैं दूंगा आपको टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस में एट फर्स्ट वी विल डिस्कस फिफ्टी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था दावोस स्विट्जरलैंड में फ्रॉम फिफ्टी जनवरी टू नाइनटीन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर और इंडिया की तरफ से जो डेलीगेशन गया था ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डेलीगेशन गया था स्मृति ईरानी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड आर के सिंह सेक्रेटरी डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो ये इंडिया के तरफ से एक गवर्नमेंट डेलीगेशन वहाँ गई थी और इंडिया ने सक्सेसफुली ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा इंडिया फिफ्टी फोर्थ एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया बिकॉज पहली बार इंडिया ने जेंडर इक्विटी की बात की है इक्वालिटी की बात सब करते हैं लेकिन यहाँ इक्विटी की बात हुई है जो अपने आप में यूनिक है ये एक ऐसा अलायंस होगा जो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा वुमेन के एजुकेशन हेल्थ और इंटरप्राइज से रिलेटेड दुनिया भर में कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस हो नॉलेज शेयरिंग का कोई मेथड हो या फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो इन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा ये अलायंस ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड इस अलायंस के लिए इंडिया के सपोर्ट में कई सारे इंडस्ट्री लीडर्स भी सामने आए जैसे मास्टरकार्ड ऊबर टाटा टी वी एस बेयर इट सी एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस अलायंस के लिए डब्ल्यू ई एफ नेटवर्क पार्टनर की तरह काम करेगा एंड इन्वेस्ट इंडिया एज इंस्टीट्यूशनल पार्टनर और इस अलायंस के गोल्स एच डी गोल्स के साथ भी कंप्लाई होते हुए दिख रहे हैं कोहेरेंट होते हुए दिख रहे हैं जैसे एच डी थ्री की बात करें तो वहाँ गुड हेल्थ एंड वेलबिंग की बात की गई है एच डी फोर में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है एच डी जी फाइव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट एच डी ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट तो इस तरह से ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड है ये कहीं ना कहीं एच गोल्स को भी पूरा करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकता है दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में दैट ब्रिंग्स टूगेदर इंडिविजुअल्स एंड पॉलिटिकल एंड बिजनेस लीडर्स ईच ईयर टू डिस्कस सिग्निफिकेंट इशूज दैट इम्पैक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी और ये मीटिंग होता है स्विट्जरलैंड के एक शहर दावोस में वहाँ के एक स्विस स्काई रिजॉर्ट में इस तरह का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ वर्ल्ड के बहुत सारे फिनंशियल जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स या इंडिविजुअल्स वो सब वहाँ एकत्रित होते हैं एंड नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर बट सीक्स टू इन्फ्लुएंस पीपल टू मेक डिसीजंस दैट बेनिफिट द ग्लोबल कम्युनिटी तो ये डब्ल्यू e. का अपना एक मैंडेट है आई होप क्वेश्चन का राइट right आंसर आपको मिल चुका है और इस टॉपिक में बहुत कुछ आपको नया जानने को भी मिला ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग द सेशन बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्टडींग कीप ग्रोइंग